एवरीवन कम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2020। तो हम लोगों ने आज इसलिए ये चूज किया है वीडियो क्योंकि काफी टाइम से हमने प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस नहीं बनाई थी वाली साइड पर हम लोग यू नो एक तरह से स्किप होती जा रही थी। तो फाइनली आज हम लोगों ने सोचा कि हम देखते हैं कि 2020 में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक 2019 में तो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स काफी मतलब उस पर तो वीडियोस हमने बनाई होंगी लेकिन 2020 के हम लोग इन एडवांस देखने लगे हैं कौन से प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक और हमारे ट्विटर का लिंक भी हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, देन वी विल डिस्कस हम लोग कैसे लगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज हमारा देश भारत दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली शक्तियों में से एक है और विकास की इन्हीं कड़ियों में किसी भी देश को सबसे बड़ा योगदान देते हैं उस देश के मेगा प्रोजेक्ट्स। और इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जिनके कंप्लीट हो जाने के बाद ये पूरी ही दुनिया भारत का लोहा एक बार फिर से जरूर मानेगी। नंबर वन, स्टैचू ऑफ शिवाजी। दोस्तों छत्रपति शिवाजी भारत के महान सम्राटों में से एक थे और बहुत से लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं और आज शिवाजी की ही याद में उनका एक स्टैचू अरब सागर में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये शिवाजी स्टैचू दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। तो आइए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों इस स्टैचू की आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। 190 मीटर ऊंची शिवाजी की ये मूर्ति दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। इस स्टैचू का निर्माण अरब सागर में मुंबई से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मानव निर्मित आइलैंड पर किया जा रहा है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस मूर्ति का निर्माण 1,30,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा है। दोस्तों इस मूर्ति के साथ थिएटर्स, फूड कोर्ट्स, लाइब्रेरी, म्यूजिकल फाउंटेन और भी बहुत सी मनोरंजक व ज्ञानवर्धक स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है जिससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली आधिकारिक घोषणा अशोक यवन कैबिनेट के द्वारा साल 2018 में की गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपए आंकी गई थी जो इस प्रोजेक्ट की वर्तमान लागत से काफी कम थी। इस मेमोरियल के बनने का काम 2 चरणों में किया जाएगा जिसके साल 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अब अगले मेगा प्रोजेक्ट पर चलने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहता हूँ। शिवाजी की ये मूर्ति निसंदेह ही भारत के लिए गर्व है लेकिन 3,000 करोड़ रुपए स्टैचू ऑफ यूनिटी पर खर्च करने के बाद 3,600 करोड़ रुपए शिवाजी स्टैचू पर खर्च करना सही है या फिर गलत, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर सेकंड, जोजिला टनल। दोस्तों ये टनल श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बनने जा रही है। नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट ऊंचाई पर बन रही इस टनल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। बनने के बाद ये टनल एशिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बन जाएगी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 6,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये टनल साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों इस टनल के बनते ही श्रीनगर से लेह जाने में लगने वाला 3.5 घंटे का सफर घटकर महज 15 मिनट का हो जाएगा। इस टनल के शुरू होने के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी जो कि वर्तमान समय में बर्फबारी के चलते साल के 5 से 6 महीने तक बंद रहती है। जोजिला टनल भारतीय सेना के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होगी क्योंकि अभी सेना को लेह, कारगिल व अन्य सैन्य ठिकानों तक आवश्यक सामग्री ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद भारतीय सेना की ये परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों इस टनल की विशेषताओं की बात की जाए तो इस टनल में इमरजेंसी लाइटिंग, वेंटिलेशन, मैसेज साइंस, ट्रैफिक लॉगिंग पावर सप्लाई, सीसीटीवी, ओवर हाइट व्हीकल डिटेक्शन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और टनल रेडियो सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से इस टनल को लैस किया जाएगा।
इस टनल में हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन और फायर फाइटिंग केबिन्स की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस टनल में हर 250 मीटर के बाद रोड क्रॉस करने की सुविधा भी दी जाएगी। नंबर 3, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दोस्तों, भारत में शिंजो आबे और मिस्टर मोदी ने बुलेट ट्रेन की नींव रख दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए का खर्च जापान देगा। इस खर्च का ब्याज महज 0.1% होगा, जिसे पहले भी सुना था होगा। इससे पहले दोनों ने बुलेट ट्रेन का रॉ मॉडल देखा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर, जिसमें अधिकतर एलिवेटर ट्रैक्स ही होंगे और कुछ भाग समुद्र के नीचे व कुछ भाग सुरंगों में से होकर गुजरेगा, ठाणे और बसई के बीच 60 किलोमीटर पानी के नीचे दौड़ेगी ये बुलेट ट्रेन। 508 किलोमीटर के इस पूरे ही ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही 12 स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के साथ प्रथम चरण में वडोदरा में 4,000 लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करना भी शामिल है। ये सब साल 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए 24 ट्रेनें जापान से भारत लाई जाएंगी, जबकि बाकी ट्रेन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ये ट्रेन 508 किलोमीटर का फासला महज 3 घंटे में तय करेगी। समय की बात की जाए तो इस दूरी को तय करने में अभी 7 से 8 घंटों का समय लगता है। दोस्तों, इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। नंबर 4, नमस्ते टावर मुंबई। नमस्ते टावर लोअर पैरेलल मुंबई में निर्माणाधीन एक गगन चुंबकीय व बेहद ही खूबसूरत इमारत है। इस इमारत की कुल ऊंचाई 1037 फीट यानी कि करीब 316 मीटर है। इस इमारत में कुल मिलाकर 63 मंजिलें होंगी, जिनका इस्तेमाल एक होटल, ऑफिस, रेजिडेंशियल स्पेस व कमर्शियल स्पेस में किया जाएगा। इस गगन चुंबकीय इमारत की सबसे खास बात इसका डिजाइन है, जो कि बेहद ही अनोखा है। इस बिल्डिंग का डिजाइन दुबई की एक कंपनी एटिकंस ने तैयार किया है। दोस्तों, इस टावर का डिजाइन भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। इसके 2 सिमेट्रिकल विंग्स को इस तरीके से जोड़ा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 2 हाथ नमस्ते की मुद्रा में हो। इसी कारण इस टावर को नमस्ते टावर का नाम दिया गया है। इस गगन चुंबकीय इमारत का निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था तथा इसके साल 2020 तक पूरा हो जाने की संभावना जताई जा रही है। नंबर 5, चंद्र उदय मंदिर वृंदावन। दोस्तों, वृंदावन में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी होगी। बताया जा रहा है कि एस्कॉन संस्था के द्वारा बनाए जाने वाले 70 मंजिला चंद्र उदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर की होगी और ये पिरामिड के आकार में बनाया जाएगा। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई ही सबसे ज्यादा नहीं बल्कि गहराई भी बहुत अधिक है। दोस्तों, ये इमारत 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर ऊंचा होगा, जबकि दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की गहराई मात्र 50 मीटर है। यानी कि साफ है कि चंद्र उदय मंदिर की गहराई बुर्ज खलीफा से भी 5 मीटर अधिक होगी। दोस्तों, ये मंदिर 9 लाख टन का वजन सहन कर सकेगा और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफान को भी झेलने में सक्षम होगा। इस मंदिर में 4D तकनीक के द्वारा देवलोक व देव लीलाओं के दर्शन भी कराए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मंदिर साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6, हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, हाई स्पीड ट्रेन का सपना देख रहे भारत में बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड की ट्रेन चल सकती है। चीन और जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेनों से भी तेज होगी भारत में चलने वाली हाइपर लूप ट्रेन। हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत तमाम बड़े देशों से आगे निकल सकता है। इस ट्रेन से मुंबई से पुणे तक का सफर मात्र 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, ये ट्रेन बुलेट ट्रेन और यहाँ तक कि एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज चलती है। दोस्तों, ये ट्रेन हाइपर लूप के अंदर एक दबाव वाले क्षेत्र में बहुत ही तेज गति के साथ चलती है कि यह ट्रेन चुंबकीय टेक्निक से लैस पॉड ट्रैक पर एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेन के अंदर 6 से 8 लोग बैठकर सफर कर सकेंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1224 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। फिलहाल इस ट्रेन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स जिनके बन जाने के
बाद दुनिया भी भारत को सलाम करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इन मेगा प्रोजेक्ट्स को देखकर आपको भारत के लिए क्या फील होता है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एक और फ्रेश वीडियो में। जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं इनमें से जो तीन प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जबकि तीन प्रोजेक्ट्स जो थे वो हमारे लिए नए हैं, जिनमें एक मंदिर जो बन रहा है, एक वो है, उसके अलावा जो टनल बन रही है एक वो है, और एक शिवाजी महाराज का स्टैचू है। और जो बुलेट ट्रेन है उसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था और हमने उसकी वीडियो भी देखी थी, और उसके अलावा हाइपर लूप जो चल रही है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो देखी थी, और उसके अलावा जो लास्ट प्रोजेक्ट है जो नमस्ते टावर है वो भी हमने जो है पहले देखा है प्रोजेक्ट्स में। आई थिंक वो मेगा प्रोजेक्ट्स के पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोगों ने ये तीनों प्रोजेक्ट्स देखे थे। और अगर मैं हाइपर लूप की बात करूँ तो आई गेस 2018 में हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम इसकी न्यूज आई थी तो मेरे ख्याल में तब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, मुझे ऐसा लगा 2018 में ही बनाई थी। बिल्कुल ऐसा ही। और 2018 की बात है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेच्यू की तो ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने बीच में एक क्वेश्चन भी वीडियो में रख दिया है कि क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर भी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, वो भी काफी अच्छा बना हुआ है, और ये भी जो इसका जिस तरीके से एनिमेटेड दिखाया गया काफी अच्छा लग रहा है देखने का। मुझे भी लग रहा है कि रोजगार भी बहुत बढ़ेगा और फिर उसके अलावा आपकी टूरिज्म की अट्रैक्शन भी जो उनसे है वो भी बढ़ेगी। असल में जो स्टेच्यू ऑफ ये जो है शिवाजी महाराज का, अगर इसकी मैं बात करूँ ना तो इस पे हर बंदे का अपना ओपिनियन होगा, कोई कहेगा कि ये अच्छा है, कोई कहेगा ये बुरा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह वो बन रहा है समंदर के दरमियान में अरेबियन सी में, एक बहुत अच्छी टूरिज्म के लिए वो लोकेशन होगी, क्योंकि आप देखें अगर वो उस पे 36,000 करोड़ या जितने भी लगा रहे हैं वो तो एक टाइम में लगेंगे, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा क्योंकि सिनेमास बन रही हैं, वहाँ पे शॉप्स बन रही हैं, उसके अलावा वहाँ पे सिर्फ आप पहुंच ही क्रूज शिप के जरिए पहुंच सकते हैं या बोट्स के जरिए, तो ये क्या है, ये इनकम जनरेट करने का एक तरीका है। देखो इनकम भी जनरेट होगी, साथ में जो लोग हैं उनको भी तो काफी ज्यादा रोजगार मिलेगा ना, उनको जॉब्स मिल जाएंगी, और फिर लाजमी बात है वहाँ पे जो एंट्रेंस होगी उसकी भी कुछ ना कुछ टिकट होगी, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इतना जनरेट होगा, जो लोकल लोग हैं उन्हें भी जो है वो एक किस्म की जॉब्स मिलेगी वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें नमस्ते टावर की तो वो हमने पहले भी काफी बार देखा है, काफी नहीं एक बार ही देखा है, तो आइडिया है उसके बारे में। तो उसका डिजाइन जो है वो हमें पहले भी बहुत पसंद था, खासतौर पर एक तो वो हाथों की शेप इस तरह है, दूसरा अगर उसके बाहर के जो डिजाइन है अगर वो भी देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। फिर उसके अलावा जो मंदिर है वो वाला भी हमारे लिए ना चंद्रोदया मंदिर हाँ, ये भी बहुत एक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, मतलब हाइट वाइज काफी, और डेप्थ में भी बता रहे हैं 55 मीटर जो है इसकी डेप्थ होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से ज्यादा है। फिर उसके अलावा 5,000 लोग जो उनसे उनके बैठने के लिए जगह है, बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा एक मंदिर बन रहा है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मंदिर से तो आई डोंट नो, हम लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये जैसे स्टेच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज है या फिर हम टनल जिसमें वो थी श्रीनगर का, हम उसे भूल गए, वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इतने थोड़े टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे और भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो जाएंगी उसके अंदर भी, टनल के अंदर भी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, 14.5 किलोमीटर की बनाई हुई है, तो मतलब ओवरऑल मैं देखूं तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग और यू नो ऐसे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जिनका काफी फायदा होने वाला आने वाले टाइम में। मुझे जो है बुलेट ट्रेन की जो सबसे अच्छी चीज ये लगी कि फर्स्ट 24 रैक्स जो है वो तो जापान ही देगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में खुद ही होगी, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके मुल्क में खुद बुलेट ट्रेन बनना शुरू हो जाए तो आप जो है नेक्स्ट उसे किसी दूसरे मुल्क में भी आप सेल आउट कर सकते हैं। और अगर हाँ बिल्कुल, अभी जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था एक और ट्रेन थी, ट्रेन 18 थी, वो फिर बाद में हम लोगों वंदे भारत
सारी जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका और भी काफी ज्यादा कंट्रीज हैं, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड किया। तो फिर इसी तरीके से आपकी जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो डेफिनेटली आपके मुल्क में रोजगार जो था वो भी बढ़ता है। फॉर द टाइम बीइंग नो डाउट आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वही चीज आ जाती है मौजूदा की हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियन होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सही हो रहा, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, वही चीजें जो पैसे जो वो लोगों पर लगाने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें भी इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट देती हैं अगर ये अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। बिल्कुल। एनीवे, ओवरऑल वीडियो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या ओपिनियन है इसके बारे में, और हमें ये भी बताइएगा कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर कोई एंट्रेंस फीस है या नहीं है, कि टिकट वगैरह है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को इतना आइडिया मैंने पर ये सुना कि वहां पर लेजर शो भी होता है वहां पर, और लेट्स सी कि यहां पर अब क्या सिनेरियो होगा, तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जितना उन्होंने शो किया है, जैसे दूर से भी एक 3D एनिमेशन दिखाई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग उस पे जो थी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ मुझे इजाजत है, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन देना मत भूलिएगा, और हमें रखें अपनी दुआ में याद, हमारी वीडियोस को लाइक, चैनल करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।